ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं कृतिका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां परपा थाना क्षेत्र के नलपावन में नाबालिग के साथ दुराचार करने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि 16 अप्रैल को आरोपी ने नाबालिग के साथ दुराचार किया था। मिली जानकारी के मुताबिक परिवारजनों का कहना है कि 16 अप्रैल को नलपावन में घर के सभी लोगों के खाना खाकर सो जाने के बाद रात करीब 9:30 बजे पीड़िता किसी को बिना बताए कहीं चली गई। बाद में उसकी काफी तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। इस पर पुलिस ने गुमशुदी का मामला दर्ज किया। मामले की जांच के दौरान पीड़िता जब वापस अपने घर पहुंची तो उससे परिवारजनों ने पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि नलपावन के शिवशयन कश्यप उम्र 25 साल उसे रात 10 बजे फोन कर बुलाया और शादी का प्रलोभन देकर अपनी बाइक में बिठाकर ले गया। वहां ले जाकर उसके साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड में भेज दिया है। प्राइम न्यूज 24 के लिए मोहम्मद अल्ताफ की रिपोर्ट।